हेलो भाई, मैं हूं दीपांशु और आज मैं आपको अर्टिगा जेड एक्स आई ऑटोमेटिक का रिव्यू करके दिखाने जा रहा हूं। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। बात करूं सबसे पहले इसकी प्राइसिंग, तो 10,69,000 यानी 10.69 लाख रुपीज़ इसकी एक शोरूम प्राइसिंग है। इस कार के अंदर हमको 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 103 BHP की पावर बनाता है और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बात करूँ इसके माइलेज की, तो कंपनी इस कार के अंदर 17.9 KMPL का माइलेज क्लेम करती है पेट्रोल के अंदर, जो कि काफ़ी शानदार माइलेज है 7 सीटर सेगमेंट के अंदर। तो दोस्तों, कुछ ऐसी इसकी चाबी मिलती है स्मार्ट की, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन मिलता है हमको, सुजुकी का लोगो मिल जाता है इसके ऊपर। दो की हमें इस कार के साथ में मिलती हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस कार के अंदर CNG वेरियंट भी आता है, जिसके के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है क्रोम ग्रिल के ऊपर, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आते हैं इसकी साइड की तरफ, तो यहाँ पर हमको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वो भी एक रिफ्लेक्टर के साथ में, और यहाँ पे इंडिकेटर भी हमको दिया गया है। हैलोजन सेटअप देखने के लिए मिलता है इस कार के अंदर। फॉग लैम्प भी प्रोवाइड कराए गए हैं। नीचे वाली ग्रिल ऑल ब्लैक के अंदर आती है, आप देख सकते हैं। अब बात करूँ इसकी फ्रंटल ओवरऑल लुक की, तो ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छी इसकी निकल के आती है। एलिगेंट लुक इसकी, मतलब सभी को लुभाने वाली लुक से इसकी लगती हैं। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में, तो दोस्तों बॉडी कलर्ड ORVM हमें मिल जाते हैं इस कार के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है, जिसपे इंडिकेटर हमको दिया गया है। बात करूँ टायर्स की, तो इस कार के अंदर 185/65 R16 प्रोफाइल के टायर्स मिलते हैं, और अलॉय व्हील हमें इस कार के अंदर मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस कार के अंदर मिलती है, जो कि अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है। डोर हैंडल्स क्रोम के हमें मिलते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड कीलेस एंट्री का बटन भी हमको प्रोवाइड कराया गया है इस वेरियंट के अंदर। ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा खासा दिख जाता है, मिलता है इस कार के अंदर। अब चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ, तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है रियर प्रोफाइल से। रियर से देखने में भी कार काफ़ी अच्छी लगती है, स्पोर्टी लुक निकल के आती है कार के रियर से। तो ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है हमको, यहाँ पर वॉशर भी दिया गया है, नीचे वाइपर भी मिल जाता है इस कार के अंदर, और डिफॉगर भी प्रोवाइड कराया गया है रियर विंडशील्ड के ऊपर। और आऊँ मैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है सेंटर के अंदर। यहाँ पर क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है, जो कि देखने में अच्छी लग रही है, और यहाँ पर हमको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी मिल जाती है। और दोस्तों कुछ ऐसे इसके हमें टेल लैंप मिल जाते हैं, LED टेल लैंप इस कार के अंदर हमको मिलते हैं, रात के अंदर काफ़ी शानदार लगते हैं जलने के बाद में, और गाड़ी की लुक एनहेंस करते हैं। टेल गेट के ऊपर अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है कुछ ऐसी। बम्पर के अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और 2 रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कराए गए हैं। अब देख लेते हैं गाड़ी का बूट, बूट में कितनी जगह मिल जाती है। बूट ओपन करने के लिए बटन दिया गया है इस कार के अंदर। 209 लीटर्स का बूट स्पेस हमको मिल जाता है, जब तीनों रो इसकी सीधी रहती हैं, और इस तीसरी थर्ड रो को हम फोल्ड करके और भी ज़्यादा स्पेस इसमें हम बना सकते हैं। लगभग इतना स्पेस इसमें बन जाता है थर्ड रो को अगर आप फोल्ड करके रखते हैं तो। दोस्तों स्पेस के मामले में इस कार के अंदर कोई कमी नहीं है। ये तो हो गई इसके एक्सटीरियर की बातें, अब चलते हैं इस कार के अंदर की तरफ। तो दोस्तों ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डोर पैनल, ऑल बीच कलर के अंदर ये है फ्रेंड्स, आप क्रीम कलर बोल सकते हैं आप इसको। कुछ यहाँ पर वुडन फिनिश भी हमको मिल जाती है ब्राउन कलर के अंदर। क्रोम का हैंडल मिल जाता है, डोर ओपनर, 4 पावर विंडोज़ का स्विच मिलते हैं इसके अंदर, लॉक अनलॉक, और ये ORVM एडजस्ट करने के स्विचेज इस कार के अंदर दिए गए हैं। आए हम नीचे की तरफ, तो बॉटल होल्डर की जगह दी गई है, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे स्पीकर भी प्रोवाइड कराया गया है इस कार के अंदर। हमको 4 स्पीकर सेटअप मिलता है। ऊपर की साइड में यहाँ पर ट्विटर की जगह भी हमको प्रोवाइड कराई जाती है, आप ट्विटर भी लगवा सकते हैं। और बात करो इसकी सीट की, तो दोस्तों इस कार की सीट हमको 6-way एडजस्टेबल मिलती है, यानी हाइट एडजस्टेबल सीट है, लेकिन मैनुअली आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। बीच कलर के अंदर इसकी सीट आती है, फैब्रिक की सीट्स हैं, कोई कवर वगैरह नहीं मिलते इस पर। और दोस्तों बात करूँ इसके, अब मैं हेडरेस्ट की, तो वो हमें एडजस्टेबल मिलता है, और वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊँ काफ़ी अच्छी सीट मुझे ये लगी। बड़ी सीट हैं, आपको पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब सा कर लेती हैं ये। कुछ ऐसा दिखता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। अब चलते हैं इसके अंदर और अंदर बैठ के बात करते हैं। तो भाइयों कुछ ऐसा दिखता है इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसमें कि हमको यहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, क्रोम वर्क भी किया गया है। लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे स्टीरियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह इसके कार के अंदर हमको मिलता नहीं है। नीचे की साइड भी थोड़े से बटन दिए कॉल उठाने काटने के। बात करूँ इसके स्टीयरिंग की, तो इसका जो स्टीयरिंग है टिल्ट एडजस्टेबल है, यानी ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है। सबसे पहले बढ़िया मिलता है सेंटर में हमको ये शानदार सा इसका मीटर, जिसमें कि दोस्तों एक कलर कॉम्बिनेशन ब्लू कलर के अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, सेंटर में MID मिल जाती है काफ़ी अच्छी खासी डिसेंट साइज़ की, और जिसके दोस्तों यहाँ पे हमको ये बटन मिल जाते हैं जिससे कि हम ट्रिप रीसेट वगैरह इसके एडजस्ट कर सकते हैं। इस MID में हम इसके ट्रिप रीसेट, माइलेज, रेंज वगैरह ये सब चीज़ें इसमें देख सकते हैं। मीटर मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। राइट साइड में यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसे इसके AC वेंट्स मिलते हैं सेंटर में हो, तो ऐसे कुछ दोस्तों स्टीरियो मिल जाता है हमको, जो कि हमारा नॉर्मल FM ब्लूटूथ रेडियो वाला है, जिसमें कि ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं। इस कार के अंदर हमको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप देखने के लिए मिलता है। नीचे यहाँ पे हजार लैम्प का स्विच मिल जाता है।
आओ नीचे की तरफ, तो ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है इस कार के अंदर। आओ नीचे की तरफ से आप 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और यूएसबी पोर्ट ऑक्स की जगह मिल जाती है। थोड़ा सा स्पेस आगे की साइड प्रोवाइड कराया गया है और यहाँ पे दो कप होल्डर हमको मिल जाते हैं जो कि हमारे कूल्ड वाले हैं, मतलब हम यहाँ से इसको अगर आप कुछ रखेंगे तो ठंडी चीज़ ठंडी ही रहेगी। ये कार जो ऑटोमेटिक वेरियंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको इसका कुछ ऐसा मैनुअल, मतलब मैनुअल कहना ऑटोमेटिक का गियर नॉब मिल जाता है। आओ थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक मिल जाता है इस कार के अंदर कुछ ऐसा, सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है वो भी एडजस्टेबल। और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो दोस्तों कुछ इतनी जगह इसके अंदर मिलती है, थोड़ी सी जगह इस कार के अंदर, ज़्यादा तो नहीं है आर्मरेस्ट के अंदर। सेंटर के एसी वेंट्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं हमको ब्लैक कलर के अंदर, आप देख सकते हैं। वुडन फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कुछ इतना बड़ा इसका ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, डिसेंट साइज का ग्लोव बॉक्स मिलता है इस कार के अंदर। कोल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ही है। बात करूं इसके IRVM की, तो मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल है जो कि ऑटोमेटिक होना चाहिए था 10 लाख के कार के अंदर, ऑटोमेटिक हो जाता तो अच्छा रहता। और ये ऐसा कुछ हमें हेलोजन सेटअप मिलता है इसकी रीडिंग लैंप के अंदर। यहाँ पर टिकट होल्डर मिलता है ड्राइवर साइड को, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड कराया गया है। कुछ ऐसे इसके ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं फोल्डेबल वाले। अब ये तो हो गया आगे के फीचर्स की बातें, अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ और स्पेस और फीचर्स पीछे के चल के मैं आपको बता देता हूँ। बीच कलर के अंदर इसका रियर डोर पैनल मिलता है जिस पर यहाँ पर क्रोम का डोर ओपनर मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच और नीचे बॉटल होल्डर की जगह थोड़ी सी स्पेस। और दोस्तों यहाँ पर हमें पीछे भी स्पीकर दिया गया है। तो भाइयों कुछ इतना स्पेस हमें इस कार के रियर सीट में मिलता है, रियर स्पेस इसका काफ़ी अच्छा खासा मुझे लगा, पीछे वाली बीच वाली सीट के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है। सेंटर में यहाँ पर हमको आर्मरेस्ट मिल जाता है बिना कोई कप होल्डर के, कोई कप होल्डर नहीं है इसके अंदर। और इसके रियर वाले हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हमको एसी मिल जाता है इसके रूफ के अंदर ही, जिसमें कि हमें यहाँ पर नोब मिल जाती है इसकी फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। और यहाँ पर रूफ में भी हमको यहाँ पर लैंप प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर हमको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है, मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो तो कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो में और चल वहाँ पे स्पेस दिखा देता हूँ कितना स्पेस हमें मिल जाता है। भाइयों कुछ इतना स्पेस हमें मिलता है इसकी थर्ड रो के अंदर, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है थर्ड रो में इसकी। और दोस्तों यहाँ पर हमको आर्मरेस्ट हेडरेस्ट मिल जाते हैं थर्ड रो के अंदर भी, और दो कप होल्डर मिल जाते हैं एक इधर और एक इधर। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी प्रोवाइड कराया गया है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। पर स्पेस यहाँ पे बच्चों के लायक है फ्रेंड्स, बड़े नहीं बैठ सकते। फिलहाल के अंदर ये वाली सीट पूरी पीछे है, बीच वाली रो जो है पूरी पीछे है, अगर वो थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए आगे की तरफ तो पीछे की तरफ स्पेस बन जाएगा। अब बात करो इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इस कार के अंदर दो एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और ESP, सीट बेल्ट प्रोटेंशनर जैसे सेफ्टी फीचर्स इस कार के अंदर हमको मिल जाते हैं। सेफ्टी के मामले में दोस्तों कार 3 स्टार लेके आई थी ग्लोबल एनकैप के अंदर। अब बात करो 10,69,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर कार कैसी है, तो दोस्तों कार में स्पेस बिल्कुल अच्छा है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। अगर आपको 7 सीटर कोई कार चाहिए ऑटोमेटिक के अंदर तो आप हाँ बिल्कुल इसके ऊपर जा सकते हैं। इसमें दोस्तों ये ZXi वेरियंट था जिसका मैंने आज रिव्यू किया, कार में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, एकदम रिलायबल इंजन मिलता है 1.5 लीटर वाला। तो दोस्तों यही थी हमारी एक अर्टिगा के ऊपर छोटी सी क्विक रिव्यू की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।